नमस्कार जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बसकार पर छात्रों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। शिक्षा क्षेत्र में हुए बदलावों को लेकर जानकारी करेंगे साझा। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने पीएम मोदी से की मुलाकात। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर जताई प्रतिबद्धता। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने भारत को बताया अहम सहयोगी। बोले अफगानिस्तान की स्थिरता के लिए योगदान देना जारी रखेगा भारत। नड्डा ने यूपी के सांसदों को पिछले चुनाव से भी बड़ी जीत का दिया लक्ष्य। सांसदों को अपने क्षेत्र में एक एक गांव तक पहुंचने का दिया निर्देश। आज बागपत दौरे पर आएंगे राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सभी तैयारियां पूरी। हाईवे पर चल रहा सफाई अभियान। दिल्ली विधानसभा का दो दिन का मानसून सत्र आज से शुरू। जल बोर्ड डीटीसी कथित घोटाले पर हंगामा होने के आसार। भाजपा ने सड़क से सदन तक सरकार को घेरने की तैयार की नीति। पानी की किल्लत लचर स्वास्थ्य व्यवस्था पर साधेगी निशाना। असम मिजोरम केंद्रीय बलों को तैनात करने पर हुए सहमत। गृह मंत्रालय द्वारा बुलाई गई बैठक में शांति बनाए रखने पर दिया जोर। मिजोरम के साथ सीमा विवाद पर असम सरकार ने किया ऐलान। का बवाल के आरोपियों की सूचना देने पर मिलेगा 5 लाख का इनाम। केरल सोना तस्करी मामले में आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। एनआईए से स्वप्न सुरेश समेत 7 आरोपियों की जमानत की खारिज। गुजरात में 8 बड़े शहरों में 1 घंटे कम हुई नाइट कर्फ्यू की अवधि। अब रात 10 बजे तक खुले रह सकेंगे होटल और रेस्तरां। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बादल फटने से 17 लोगों की गई जान। गृह मंत्री अमित शाह ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से की बात। जम्मू कश्मीर के पाडर इलाके में पुल बहने से कई गांव का संपर्क कटा। मचैल सेक्टर में फंसे 300 से ज्यादा लोग। बचाव कार्य जारी। ताजपोशी के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू। आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से हो सकती है मुलाकात। जायडस कैडिला ने जायकोव डी टीके के इमरजेंसी इस्तेमाल की मांगी अनुमति। ये दुनिया का पहला डीएनए आधारित कोरोना का होगा टीका। जायडस कैडिला ने दिसंबर तक 5 करोड़ डोज के उत्पादन का रखा लक्ष्य। स्प्रिंग युक्त डिवाइस से लगेगा टीका। सिरिंज का नहीं होगा इस्तेमाल। 6 महीने बाद सस्ती होने की जगह महंगी हुई कोरोना की वैक्सीन। कोविशील्ड का 50 तो कोवैक्सीन का 180 रुपए बढ़ा दाम। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के आए 43,159 नए मामले। इस दौरान 640 लोगों की गई जान। 38,525 मरीज हुए ठीक। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3,15,00,000 के पार। जबकि अभी तक कुल 4,22,000 लोगों की गई जान। तालिबान के खौफ से लोगों में अफगानिस्तान छोड़ने की लगी होड़। पासपोर्ट आवेदन के लिए लग रही लंबी कतारें। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने दिया शर्मनाक बयान। कहा तालिबानी आम नागरिक अमेरिका ने वहां सब बर्बाद कर दिया। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने लालू यादव से की मुलाकात। पवार बोले ये औपचारिक मुलाकात उनके स्वास्थ्य की ली जानकारी। महाराष्ट्र सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए मंजूर की तत्काल सहायता राशि। प्रत्येक पीड़ित परिवार को 10,000 रुपए की सहायता देगी सरकार। मद्रास हाईकोर्ट ने कार्ति चिदम्बरम और उनकी पत्नी को दी राहत। 6 करोड़ की आय का स्रोत बताने वाले आदेश को किया रद्द। सीएम योगी ने यूपी रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर को बताया महत्वपूर्ण। बोले देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होगा गलियारा। भूमिहीन परिवारों को हर साल 6,000 रुपए देगी छत्तीसगढ़ सरकार। सीएम भूपेश बघेल ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन योजना को दी मंजूरी। अमेरिका के गैर सरकारी संगठन ने महाराष्ट्र में भेजे चिकित्सा दल। भारी बारिश से प्रभावित लोगों के उपचार करने में मदद करेंगे डॉक्टर। ड्यू ने रिकॉर्ड 28 दिन में की अंतिम वर्ष के नतीजों की घोषणा। कोरोना महामारी की वजह से ऑनलाइन आयोजित हुई थी परीक्षा। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने तालिबानी नेता मुल्ला बरादर से की मुलाकात। चीन ने तालिबान की प्रशंसा करते हुए पूर्ण समर्थन का दिया भरोसा। तालिबान को चीन ने बताया अहम सैन्य और राजनीतिक ताकत। तालिबान से उइगर चरमपंथियों के सफाये में मांगी मदद। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विश्वविद्यालय और स्कूलों से किया आह्वान। बोली एक गांव गोद ले सभी स्कूल तो बदल सकती है तस्वीर। असम मंत्रिमंडल ने पुलिस आयोग गठित करने का लिया फैसला। पुलिस प्रणाली में सुधार और तैनाती संबंधी विषयों पर करेगा अनुशंसा। अमरिंदर सिंह ने निजी विद्युत कंपनियों के खिलाफ उठाया कड़ा कदम। एक तरफा बिजली खरीद समझौतों को रद्द करने का दिया आदेश। दिल्ली में निजी स्कूल का प्रबंधन अपने हाथों में ले सकेगा शिक्षा निदेशालय। अनुचित शुल्क वृद्धि को लेकर केजरीवाल ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। फरवरी में होने वाली गेट 2022 परीक्षा में 2 नए विषय होंगे शामिल। एमटेक पाठ्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया को आईआईटी खड़गपुर ने दी मंजूरी। सोना तस्करी रोकने के मामले में केरल सीएम पिनराई विजयन ने झाड़ा पल्ला। बोले केंद्र के पास है तस्करी के रैकेट को रोकने की जिम्मेदारी। स्वच्छ भारत के तहत इस साल 50,00,000 घरों में बनाए जाएंगे शौचालय। 2400 ब्लॉक में स्थापित की जाएगी प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाई। महाराष्ट्र सरकार ने 15% की स्कूलों की फीस में कटौती। आदेश में अभिभावक और स्कूल के बीच विवाद को किया गया शामिल। निर्यातक बनो मिशन शुरू करेगी राजस्थान सरकार। स्टार्टअप्स उत्पादकों को सीधे निर्यात प्रक्रिया से जोड़ेगी सरकार।
वित्त मंत्रालय ने नए विकास वित्त संस्थान के लिए शुरू की योजना। संस्थान के नाम और लोगो बताइए, 15 लाख तक का इनाम पाइए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने की विपक्षी दलों के व्यवहार की आलोचना, बोले संसदीय प्रक्रिया को बाधित करना लोकतंत्र के लिए घातक। छत्तीसगढ़ में इनामी महिला नक्सली समेत 11 ने किया आत्मसमर्पण, घर वापस आइए अभियान से प्रभावित होकर नक्सलियों ने उठाया कदम। सीमित जवाबदेही भागीदारी अधिनियम में संशोधन को मिली मंजूरी, कारोबार सुगमता को बढ़ाने के लिए आपराधिक श्रेणी से हटे 12 मामले। आदा में पुलिस ने स्ट्रीट शूटर के चंगुल से किशोर को कराया मुक्त, मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का शानदार प्रदर्शन जारी, अर्जेंटीना को 3-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु से बढ़ी गोल्ड की उम्मीद, डेनमार्क की खिलाड़ी को हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। टोक्यो ओलंपिक में तीरंदाजी में अतनु दास की शानदार जीत, लंदन के खिलाड़ी को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। बॉक्सर सतीश कुमार 91 किलोग्राम की स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे, जमैका के रिकार्डो ब्राउन को एक तरफा मुकाबले में हराया। दूसरे T20 मुकाबले में श्रीलंका ने 4 विकेट से जीता मैच, भारत को हराकर सीरीज 1-1 से की बराबर। भारत ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर बनाए 132 रन, जवाब में श्रीलंका ने 2 गेंद शेष रहते हासिल किया लक्ष्य। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।